चैलेंज है ये। मैं ये एडवेंचर चैलेंज ये करने वाली हूँ कि मैं अपने हेयर पे हाईलाइट कर लूँ। यस गाइस, आपने सही सुना है। मैं यूज करने वाली हूँ वो है स्ट्रिक्स अल्ट्रालाइट हाईलाइटर, और इसका जो शेड है वो है सॉफ्ट ब्राउन, बिकॉज मुझे वाइब्रेंट ब्राउन नहीं मिला था, इसलिए मैंने सॉफ्ट ब्राउन को ही ले लिया, पिक कर लिया। और मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, और पता नहीं इसका कलर कैसा आएगा, शेड कैसे आएगा, बट आपके सामने ये लाइव वीडियो है, आप देखो और बताओ कि किस तरह का कलर आए। अगर ये कलर अच्छा लगे मेरे ऊपर तो आप लोग जरूर ट्राई करना। पहले मैं बता देती हूँ कि जो स्ट्रिक्स का बॉक्स है उसमें क्या क्या चीज़ मिलता है। फर्स्ट आपको एक इस तरह का पेपर मिलेगा जिसमें सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से हाइलाइटर अप्लाई करना है अपने हेयर पे। ओके, हाँ, फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्स ब्लॉन्डर पाउडर। ये है ब्लॉन्डर पाउडर एंड ये है नंबर सी, एंड दिस इज स्ट्रिक्स डेवलपर नंबर डी। तो ये दोनों को एक साथ इसी कंटेनर में मिक्स करके अप्लाई करना है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे मिलती है स्ट्रिक्स का शाइन ऑन कंडीशनर। अंदर में था दो हैंड ग्लव्स ताकि आप जब अप्लाई करो अपने हेयर पे आपके हाथों पे कोई इचिंग कोई रैसेस ना आ जाए, क्योंकि ब्लॉन्डर पाउडर है, कुछ भी हो सकता है, किसी को शूट नहीं करता है अपने ऊपर, एलर्जी भी आती है, तो वो सारी चीज़ ना हो इसलिए अपने हाथ पे सबसे पहले आप वो दो ग्लव्स पहनें। तो हाइलाइटर अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपके पास एक इस तरह का एल्युमिनियम फॉइल होना चाहिए। मुझे नहीं मिल रहा था, बहुत ही मुश्किल से मुझे एक मिला है। बहुत ज़्यादा मैं अपने हेयर पे अप्लाई नहीं करूँगी इसलिए मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था। तो ये एल्युमिनियम फॉइल पहले आपको चाहिए होगा। सेकंड थिंग है कि आपको आपके हेयर को अच्छे से कोम करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोम किस तरह से आपको करना है।
मेरा यहाँ पे नीचे का ऑलमोस्ट सारे बालों में मैंने यहाँ पे इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर लिया है, और देखो आप देख पा रहे हो कलर आना भी स्टार्ट कर दिया है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज़ ये सॉफ्ट ब्लॉन्ड है तो सॉफ्ट कलर आने वाला है। एंड इधर का भी मैंने पूरा अच्छे से रैप कर लिया है ताकि ये अंदर से मतलब टाइट तरीका से रहे और इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा एंड खूबसूरत होके आए। तो जैसे मैं इसको रैप को खोल के हेयर वॉश करके आप सबको दिखाऊंगी कलर किस तरह से आया है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट आधा घंटा, दैट मीन्स 30 मिनट तक तो वेट करना पड़ेगा। सो चलो वेट करते हैं 30 मिनट तक के लिए। फाइनली हेयर वॉश करने के बाद मेरा ये कलर निकल के आया है, सॉफ्ट ब्लॉन्ड कलर। एज यू कैन सी गाइस, मैंने अपने नीचे के बालों के हिस्से में हाईलाइट किया था बिकॉज मेरे यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। ये मैंने पार्लर से करवाया था और ये मैंने खुद से किया है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड मैंने जैसा सोचा था वैसा ही बिल्कुल हुआ है। सो या दिस इज माय हेयर कलर। सो गाइस ये था मेरा आज का चैलेंज जो कि मैंने कंप्लीट किया। बहुत ही रिस्की वाला चैलेंज था बट बहुत मज़ा आया मुझे करके। आप सबके साथ शेयर कीजिए, तो इस टाइप का बहुत सारे वीडियो मैं लेके आती रहूँगी आप सबके लिए। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे वीडियो आप देख पाओ। नोटिफिकेशन के लिए बेल हिट कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।